हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। और मैं शुभांगी इसी के साथ अब शुरू करती हूं आज की 10 बड़ी खबरों का काउंटडाउन। नंबर 1, शाहरुख खान की जवान की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। जी हां, देश भर में आज शुक्रवार को एडवांस बुकिंग विंडो सुबह 10 बजे से ही खुल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस बुकिंग में जवान ने जबरदस्त स्टार्ट ली है। स्पेशली नेशनल चेन्स में जवान की बेहतरीन एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। जी हां, पहले दिन यानी शुक्रवार को सुबह 11:45 पर नेशनल चेन्स में 41,500 टिकट्स बिक चुके हैं। वहीं पीवीआर और आईनॉक्स को 32,750 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और सिनेपोलिस में 8,750 टिकट की बिक्री हो गई है। नंबर 2, सलमान खान स्टारर फिल्म इंशाअल्लाह पर अब काम शुरू हो सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली जल्दी ही इंशाअल्लाह फ्लोर पर लेकर आने वाले हैं। कुछ साल पहले जब संजय लीला भंसाली ने इंशाअल्लाह की अनाउंसमेंट की थी तब उन्होंने फिल्म के अपोजिट आलिया भट्ट को कास्ट करने पर विचार किया था, लेकिन सलमान खान और भंसाली के बीच क्रिएटिव मतभेदों के चलते प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन एक बार फिर से इंशाअल्लाह का जिक्र छुड़ा है जिसने फैंस के दिलों में एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। नंबर 3, ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 को फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हैं। फिल्म को साउथ इंडिया में पहुंचाने के लिए एनटीआर जूनियर को कास्ट किया गया है ताकि एनटीआर और ऋतिक में भयंकर लेवल पर मारधाड़ हो जिसको देखने के लिए दर्शकों में खलबली मच जाए। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक प्लानिंग ये है कि वॉर 2 को साल 2025 में 26 जनवरी के आसपास रिलीज किया जाए। कहा यह जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि ऋतिक की वॉर 2 को 25 जनवरी 2025 पर रिलीज कर सकते हैं। बता दें कि ये फिल्म इसी साल नवंबर से फ्लोर पर जा सकती है। नंबर 4, शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान का ट्रेलर कल रिलीज हुआ और इसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। ट्रेलर जिसमें शाहरुख को कई अवतारों और स्टाइल में दिखाया गया है जिन्होंने केवल 24 घंटे में सभी प्लेटफॉर्मों पर 102 मिलियन व्यूज पार कर लिया है, जिससे ये अब तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ट्रेलरों में से एक बन गया है। नंबर 5, सनी देओल की गदर 2 का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तभी तो फिल्म 500 करोड़ पार करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। जी हां, फिल्म को रिलीज हुए 21 दिन हो गए हैं, ऐसे में गदर 2 ने 21वें दिन 7.50 करोड़ की कमाई की है, जिसके बाद फिल्म का कलेक्शन 481.85 करोड़ हो गया है। वहीं दुनिया भर में यह आंकड़ा 622 करोड़ के करीब पहुँच गया है, जबकि वीकेंड पर ये कलेक्शन के बढ़ने की उम्मीद है। नंबर 6, जवान के लिए फैन क्लब ने ग्रैंड प्लानिंग कर ली है। जी हां, 300 शहरों में 85,000 लोगों को ये फिल्म दिखाएंगे। दरअसल साल 2023 में आई पठान के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, तब फैन क्लब ने 200 शहरों में फिल्म को दिखाने का बीड़ा उठाया था। इस इवेंट के लिए करीब 50,000 लोग साथ आए थे। अब जवान के लिए स्केल बड़ा हो गया है। इंडिया में पहले दिन ये लोग 300 शहरों में जवान दिखाने वाले हैं। प्लान सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि इंटरनेशनल जाने का सीन भी है। नंबर 7, आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को भी दर्शकों से भरपूर प्यार मिला है। फिल्म का ओपनिंग वीकेंड शानदार रहा था, वहीं वीकडेज में भी ड्रीम गर्ल 2 ने अच्छा कलेक्शन किया है। बुधवार को फिल्म की कमाई में 27.77% का ग्रोथ हुआ था और इसने 7.5 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं ड्रीम गर्ल 2 ने भारत में शानदार 8 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसी के साथ ड्रीम गर्ल 2 की 7 दिनों की टोटल कमाई अब 67.50 करोड़ रुपए हो गई है। नंबर 8, अक्षय कुमार स्टारर ओएमजी 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है और जमकर बिजनेस भी किया है। हालांकि इस दौरान फिल्म की कमाई में काफी उतार चढ़ाव भी दर्ज किया गया है, बावजूद इसके अक्षय कुमार की यह फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने में सक्सेसफुल रही है। ऐसे में तीसरे थर्सडे यानी रिलीज के 21वें दिन ओएमजी 2 ने 1.6 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ ओएमजी 2 का टोटल कलेक्शन अब 141.8 करोड़ रुपया हो गया है। नंबर 9, कार्तिक आर्यन स्टारर आशिकी 3 की अनाउंसमेंट के बाद से ही मेकर्स फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। इस कड़ी में कई एक्ट्रेसेस के नाम भी सामने आए हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के अपोजिट साउथ एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा को कास्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो आकांक्षा इन दिनों मेकर्स से इस सिलसिले में कई बार मुलाकात कर चुकी हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक्ट्रेस आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन की हीरोइन होंगी। नंबर
10. विजय देवरा कोंडा और सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म खुशी आज यानी कि 1 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म विजय की लाइगर के फेल हो जाने के बाद उनकी हिट फिल्म साबित हो सकती है और सामंथा की सबसे बड़ी रिलीज में से एक हो सकती है। ये फिल्म रिलीज के बाद से ही इंटरनेट पर छाई हुई है। बता दें कि खुशी फिल्म को शिवा निर्वाणा ने डायरेक्ट किया है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।